अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं छोटे छोटे पीसेस के साथ 1 से 1.5 साल तक की बच्ची के लिए फ्रॉक बनाने लगी हूँ। ये मेरीने का फैब्रिक है, सर्दियों के लिहाज से है, तो सर्दियों के लिए फ्रॉक तैयार करने लगी हूँ। तो ये फैब्रिक आप देख सकते हैं, ये छोटा सा एक फैब्रिक है। इसके अलावा ये ट्राउज़र के 4 पीसेज हैं और ये एक कुर्ती का फैब्रिक है मेरे पास, जो कि सिर्फ इतना सा पीस है। तो इसकी लेंथ विड्थ जो है वो 13.5 इंच है और जो इसकी लेंथ है वो 18 इंच है। तो इसी से हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इस पीस को इतना फोल्ड करेंगे, चौड़ाई में ही फोल्ड करेंगे, क्योंकि 13 इंच काफ़ी है 1 ईयर के लिए। 12 इंच भी काफ़ी होती है, लेकिन मैं सिलाई के अंदर कर लूँगी एडजस्ट। और इसकी जो लेंथ रखूँगी वो 7 इंच रखूँगी। तो इस तरीके से करते हुए एक पीस यहाँ से उतार लूँगी। ये मैंने अपनी पेटी की फ्रंट साइड बनाई है और बैक साइड जो है वो 3 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। यहाँ से 3 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ बैक साइड के लिए और इन निशानों को मिलाते हुए यहाँ से कटिंग कर लूँगी। ये मेरी बैक साइड होगी जो कि फ्रंट साइड से 3 इंच एक्स्ट्रा होगी। तो इस तरीके से इन दोनों पीसेस को फोल्ड कर लेती हूँ और इनकी मेजरमेंट करते हुए इनकी कटिंग कर लेती हूँ। फ्रंट साइड को ऊपर रखूँगी और बैक साइड को नीचे। अब यहाँ से इसकी मेजरमेंट स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले इसका जो नेक है इसकी मेजरमेंट करूँगी 1.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, 1.6 इंच तक इसकी विड्थ लूँगी और 2 इंच इसकी मैं लेंथ लूँगी और यहाँ से इसको राउंड शेप दे दूँगी। शोल्डर के लिए मैं 4 इंच की मेजरमेंट कर रही हूँ। अब यहाँ से आर्म होल की मेजरमेंट कर रही हूँ, 4.5 इंच लिया है। यहाँ से जो चेस्ट है वो 6.5 इंच आ रही है, यही रहने दूंगी। जो वेस्ट है वो 6 इंच तक रखूँगी। इसके अंदर ही सिलाई का मार्जिन है 1-1 इंच का। सिलाई करने के बाद ये 1 इंच कम हो जाएंगे। तो अब इनकी कटिंग कर लेती हूँ। ऊपर से जो तीरा है उसको भी हल्का सा इस तरीके से तिरछा कर लूँगी, इनकी कटिंग कर लेती हूँ। अब यहाँ नीचे से इन दोनों पीसेस को भी 1/2 इंच की निशान लगाते हुए इनको भी थोड़ा सा तिरछा कर लूँगी, इस तरीके से गुलाई दे दूँगी। इस तरीके से करते हुए हमारी जो ऊपर वाला हिस्सा है इसकी कटिंग हो गई है। फ्रंट साइड को थोड़ा सा और कटिंग करूँगी, इसकी आर्म होल भी थोड़ी सी डीप कर लेती हूँ, हल्का सा डीप करूँगी। और जो इसका नेक है ये भी 1/2 इंच थोड़ा सा और मैं इसको टेप कर लेती हूँ। ये हमारी पेटी कंप्लीट है। तो अब ये जो 4 पीसेज हैं, ये 4 ही पीसेज हैं, तो इन्हीं के साथ मैं नीचे वाली जो घेरा है वो तैयार करूँगी। सबसे पहले इन पीसेज की लेंथ चेक कर लेती हूँ। ये 23 इंचेज हैं, काफ़ी ज़्यादा लेंथ है, तो उसको मैं डबल कर लेती हूँ और डबल करते हुए इसको कटिंग कर लेती हूँ। और अब इन पीसेस की जो लेंथ आ रही है वो चेक कर लेती हूँ। ये 11 इंच है, काफ़ी है। यहाँ से इसकी विड्थ मैं सिर्फ 8 इंच लूँगी, एक्स्ट्रा को काट लूँगी। यहाँ से भी ऊपर से नीचे की तरफ 11 इंच की दूरी पे निशान लगा लेती हूँ और इन पीसों को बराबर कर लेती हूँ। इनको कलियों की शेप दे देती हूँ, एक्स्ट्रा पीसेस को कट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, इस तरह की जो वीडियोज़ होती हैं इनको बहुत ही गौर से देखा करें, स्किप मत किया करें। बहुत से फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमें समझ नहीं आई आपने कलियाँ कैसे लगाई, कैसे काटी। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप मत किया करें, हम हर चीज़ को क्लियर करते हैं। तो अब स्किप करते हैं तो आपसे बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। इसको भी 11 इंच की इसकी दूसरी साइड से भी बराबर कर लेती हूँ, इसके मेजरमेंट को भी, क्योंकि दूसरा किनारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकला हुआ है, तो गुलाई कर लेती हूँ। आप वीडियोस को स्किप मत किया करें, स्किप करने से आप बहुत सारे जो मेन पॉइंट होते हैं वो मिस कर देती हैं। तो इस तरीके से करते हुए मेरे पास ये 8 कलियाँ आ गई हैं, जो कि 4 फ्रंट साइड की हैं और 4 बैक साइड की हैं। इनको मैं इस तरीके से अटैच करूँगी। तो अब मैं जो बाकी का जो पीस है, ये एक पीस है, इसमें से स्लीव्स के लिए निकाल लेती हूँ। तो स्लीव्स थोड़ी सी शॉर्ट है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास इतना ही फैब्रिक है तो मैं इतना ही रख लेती हूँ। वैसे भी हम सर्दियों में बेबीज़ को नीचे हाई नेक वगैरह वेयर करवा देते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा भी और पीस हो तो आप स्लीव्स को थोड़ा एक्स्ट्रा रख लीजिएगा। तो ये जो पीस है ये मैं अपनी फ्रॉक के सेंटर में पट्टियाँ बना के लगाऊँगी, इसके दरमियान में से कट कर लूँगी।
तो इसकी लेंथ 19 इंच आ रही है, तो मेरी जो फ्रॉक है वो 17 इंच तक ही तैयार होगी, ये काफ़ी है। ये मैंने रेप पट्टियाँ इसके साथ मैचिंग करते हुए ली हैं, ये 1.5 इंच की चौड़ाई है। अब स्टिचिंग स्टार्ट करती हूँ, तो सबसे पहले मैं शोल्डर की सिलाई लगाऊंगी। फ्रंट और बैक साइड को दोनों को मैंने इनकी फ्रंट सीधी साइडें आपस में मैच करके रखी हुई हैं और शोल्डर की सिलाई लगा रही हूँ। इस बारे में आपने कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से इसको फोल्ड करूँगी बिल्कुल बराबर और फ्रंट साइड को सेंटर में से कटिंग कर लूँगी इस तरीके से। इस तरीके से करने के बाद अब मैं इसकी स्लीव्स तैयार कर लेती हूँ। स्लीव्स की मैंने कटिंग नहीं की थी, जस्ट इनकी मैंने कपड़ा निकाला था, तो हल्की सी कटिंग करनी है, कोई मेजरमेंट नहीं है। तकरीबन 1 इंच की एक गुलाई दूंगी और आगे से भी तकरीबन 1 इंच इसको इस तरीके से कर लूँगी। अब स्लीव्स को भी तैयार कर लेती हूँ, तो जो मैंने रिब पट्टियाँ ली हैं कंट्रास्ट में, तो उनके साथ मैं इसके आगे ये देखें इसको तैयार करूँगी। सीधी साइड उल्टी साइड पे रखते हुए लगा रही हूँ ये पट्टी और इसको मैंने सीधी साइड पे पलट लेना है। ये जो मैंने कंट्रास्ट पीस लिया है, ये मेरे फैब्रिक के अंदर जो एम्ब्रॉयडरी है उसके अंदर ये कलर मौजूद है, तो इसलिए मैंने ये ले लिया है। अब इसको सीधी साइड पे इस तरीके से करते हुए मैं इसके किनारे पे एक सिलाई लगा लूँगी। इसके अलावा भी अगर आपने बचे हुए पीसेस के साथ फ्रॉक्स के डिज़ाइंस देखने हों तो मेरे चैनल को विज़िट करें। मैंने अपने चैनल पर बचे हुए पीसेस के साथ बहुत ही प्यारी प्यारी सी फ्रॉक्स के डिज़ाइन आपके साथ शेयर किए हुए हैं। 1 ईयर से लेके 5-6 ईयर तक की बेबीज़ के लिए भी किए हुए हैं। इसके अलावा बड़ी बच्चियों के लिए भी फ्रॉक्स के डिज़ाइन अपलोड किए हुए हैं। आप चैनल को विज़िट करेंगे तो आपको बहुत सारे नए नए आइडियाज़ देखने को मिलेंगे। इसी के से करते हुए मैंने स्लीव्स को तैयार कर लिया है, तो अब इनको आर्म होल के ऊपर अटैच करूँगी इस तरीके से। आपको स्टेप बाय स्टेप बताने का मकसद ये होता है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि हमने कौन सा पीस कहाँ जोड़ा है और किस तरीके से हमारी जो ड्रेस है वो हमारा जो ड्रेस है वो तैयार हो गया है। तो आप जब स्किप करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को मिस कर देते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि हमें समझ नहीं आई है, तो आपसे गुजारिश है कि स्किप मत किया करें प्लीज़। तो अब जो नीचे वाला हिस्सा है उसको तैयार करती हूँ, तो जो फ्रंट साइड का हिस्सा है उसको मैं आपको बताऊँ कि मैंने इन दो दो पीसेस को आपस में अटैच करना है। सिर्फ इन दो दो पीसेस को आपस में अटैच करूँगी और इनको फिर आपस में अटैच नहीं करूँगी। एक बड़ी कली और एक छोटी कली को ऊपर नीचे रखते हुए इस तरीके से मैं सिलाई लगा रही हूँ। इसके अलावा जो बैक साइड की 4 कलियाँ हैं उन 4 की 4 को मैंने आपस में अटैच कर लिया है, वो मैं आपको दिखा दूँगी। फिर फ्रंट साइड को सिलाई लगाते हुए आपको दिखा रही हूँ। अब ये देखिए ये अलग अलग पीसेज हैं, तो ये मैं फ्रंट साइड को यहाँ सीधा करके रखती हूँ, मैंने सीधी करके रखी है, कलियों को उल्टा करके रखूँगी। इनकी जो तंग साइड है वो ये देखें, इनको बराबर करते हुए ये देखें इनके ऊपर इस तरीके से सिलाई लगाऊँगी। फ्रंट साइड को मैंने सेंटर में से कटिंग किया है, तो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है, तो ये जो कलियाँ हैं ये भी 2 हिस्सों में हैं, इनको इसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगा रही हूँ। ये इस तरीके से करते हुए मैंने फ्रंट साइड की कलियाँ जोड़ ली हैं। अब बैक साइड की कलियाँ भी इसके साथ अटैच करूँगी, तो इन सब को मैंने आपस में जोड़ लिया है। जो बड़ी कलियाँ हैं वो किनारों पे जोड़ी हैं और जो छोटी हैं उनको मैंने सेंटर में रख लिया है। तो इसी तरीके से करते हुए बैक साइड की कलियाँ भी मैंने जोड़ ली हैं, तो इनको अब मैंने पेटी के साथ अटैच कर लिया है। तो अब फ्रंट और बैक साइड की जो घेरा है वो लगाने के बाद ऊपर से स्लीव से इस तरीके से बराबर करते हुए नीचे की तरफ लाऊंगी, क्योंकि हमारी जो बैक साइड है वो थोड़ी बड़ी होगी 3 इंच। तो ये देखिए इस तरीके से फ्रंट साइड जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी दोनों पीसेस पे, और अब जो है यहाँ से इसकी गुलाई कर लूँगी। तो पहले इन दोनों पीसेस को जो बैक साइड के हैं इस तरीके से मिला के रखती हूँ और अब यहाँ से इसकी गुलाई कर लूँगी। राउंड शेप में इसको कटिंग कर लेती हूँ। तो अब मैंने फ्रंट और बैक साइड को ऊपर नीचे बराबर करते हुए इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है। आगे से तकरीबन 3.5 इंच मैं इसकी चौड़ाई रखूँगी स्लीव्स की। तो फिटिंग मैंने जिस हिसाब से मेजरमेंट की थी उसी हिसाब से लगा रही हूँ, यानी 1 इंच मैंने फिटिंग की मार्जिन रखते हुए ही निशान लगाए थे, तो इसलिए मैं 1 इंच के फासले पर ही सिलाई लगा रही हूँ। तो जिस तरीके से एक साइड की सिलाई लगाई है दूसरी साइड की भी ऐसे ही मैंने लगा ली है।
तो अब इसके सेंटर में ये जो पीस मैंने स्लीव्स के साथ से छोड़ा था, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेती हूँ और इस पीस के साथ मैं दो पट्टियाँ बनाते हुए अपनी फ्रॉक के सेंटर में लगा लूँगी। इनको मैंने इस्त्री से बराबर बैठा लेना है, यहाँ पे अटैच करूँगी। ये देखिए मैंने इस्त्री की मदद से इनको अच्छी तरीके से बैठा लिया है अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए। तो अब इनके ऊपर ये देखिए इस तरीके से रखते हुए एक ही सिलाई के साथ इनको अटैच कर लूँगी। यहाँ इस तरीके से जब हम लगाते हैं तो एक ही सिलाई हमारी आती है और हमारी पट्टियाँ भी अच्छी तरीके से लग जाती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए, मेरा ये आइडिया पसंद आए, तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। और जो लोग मेरे चैनल पर अभी तक नहीं हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी इस तरह से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड की पट्टी भी लगाऊंगी। तो दूसरी साइड की जो पट्टी है वो मैं नीचे से ऊपर की तरफ लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से इस पट्टी को भी सेम उसी तरीके से पूरा कर लूँगी जैसे मैंने एक साइड की पट्टी लगाई है। अब इन दोनों को बराबर करते हुए मैं नीचे से 3 इंच तक इसको ओपन रखूंगी, तो यहाँ निशान लगा लेती हूँ। इन दोनों को बिल्कुल बराबर ऊपर नीचे रखते हुए इनके किनारे पे सिलाई लगाऊंगी और 3 इंच से ऊपर जो हिस्सा है उसको मैंने बंद कर लेना है। यहाँ से सिलाई को अच्छी तरीके से पक्का करना है और ऊपर से जहाँ हमारी ऊपर वाली पेटी शुरू हो रही है वहाँ तक मैं सिलाई लेके जाऊँगी। यहाँ भी निशान लगा लेती हूँ, इस जगह तक मैं बंद करूँगी। ऊपर मैंने बटन अटैच कर लेने हैं, ऊपर वाला हिस्सा खुला छोड़ूंगी ताकि बेबी को पहनने में मुश्किल पेश ना आए। तो इसके बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप है, मैंने अपने गले के ऊपर पट्टी लगानी है। यही पट्टी जो मैंने स्लीव्स के आगे लगाई है नेक के ऊपर भी लगाऊंगी, बैक साइड पर रखते हुए लगा रही हूँ, ये देखें। और इसको बाद में मैंने सीधी साइड पे पलट लेना है। अब इसी तरीके से सीधी साइड पे करूंगी, ये देखिए अंदर की तरफ सारा फैब्रिक फोल्ड करते हुए इसके किनारे पे एक सिलाई लगाऊंगी। यहाँ से भी सिलाई को पक्का करना लाजमी होता है और इस तरीके से बराबर फोल्ड करते हुए इसके किनारे पे सिलाई लगाती जाऊंगी। अब लास्ट स्टेप जो है वो मैं घेरे के नीचे घेरे पट्टी लगा लूँगी। इसको भी मैंने घेरे की उल्टी साइड पर रखा हुआ है और सिलाई लगाने के बाद इसको मैं सीधी साइड पर पलट लूँगी। इस तरीके से बचे हुए पीसेस के साथ आप घर में बहुत ही आसानी से बहुत ही प्यारी प्यारी सी अपनी बेबीज़ के लिए फ्रॉक्स बना सकती हैं, कुर्तीज़ बना सकती हैं। तो आइडियाज़ अगर आपको चाहिए तो आप इस तरीके से चैनल्स को विज़िट करते रहें जिनमें आपको बचे हुए पीसेस के साथ फ्रॉक्स या कुर्तीज़ के डिज़ाइन दिखाए जाते हैं, तो आपको ज़रूर वहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये देखिए अब इसको सीधी साइड पे पलट लेती हूँ और मुझे उम्मीद है कि इन छोटे छोटे पीसेस में ज़रूर जान बनेगी और हमारी बेबी का बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक बन के तैयार हो जाए। तो आपने भी इस तरह की डिज़ाइनिंग को घर में ज़रूर ट्राई करना है। इस तरह की डिज़ाइनिंग आप पीस लेके भी कर सकती हैं, अगर आप बचे हुए पीसेस के अलावा आप फैब्रिक ला के भी इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकती है। बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है, आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपको आज का ये फ्रॉक का डिज़ाइन कैसा लगा। ये मैंने बटन भी अटैच कर लिया, सेंटर में ये देखें इसको बंद करने के एक टिच बटन लगा दिया है और जो दूसरे बटन है वो मैंने ऊपर लगा लिए हैं और नीचे से घेरा भी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा बना है और देखने में फ्रॉक कर ये देखिए ये बैक साइड है इसकी, ये भी बहुत प्यारी है और उम्मीद से ज़्यादा बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक बन गई है। ये 1 से 1.5 साल तक की बच्ची पहन सकती है क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो 17 से 18 इंच तक बन गई है और जो बैक साइड है वो हमारी 19 इंच तक हो गई है। तो वैसे मैंने 1 ईयर की बेबी के लिए बनाया है, अगर आपने 1 ईयर की बेबी की मेजरमेंट का अंदाज़ा लगाना है तो इसके मेजरमेंट से लगा सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।